क्या हो रहा है? झूल पर क्या? ये मेरा वो साइकिल की दुकान पे लगता है, वो पंक्चर लगाते हैं इसे। मैं और मेरी टीम यहां नेशनल साइंस फेयर के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई साइकिल का पंक्चर नहीं लगा रहे। I'm sorry, तुम्हारी ईगो पंक्चर तो नहीं हुई? मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो पंक्चर लगाना आता है। गेट आउट। ये शायद तुम्हारा है। सर व्हाट हैपेंड सर? सर क्या हुआ सर जी? ईगो तो नहीं पंक्चर हो गई? आतिश सॉरी मैडम, मैं भूल गया था, इन्हें तो पंक्चर लगाना भी नहीं आता होगा। बी क्वाइट आतिश। क्यों सर? सर मिस माथुर, आपको जान के खुशी होगी कि आज सुबह स्कूल की इज्जत और प्रोजेक्ट की जो धज्जियां उड़ी है उसके लिए आपका होनहार क्लास रिस्पॉन्सिबल है। यू राइट, यू नो देर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली होपलेस वंस। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था टीचर होना सबसे मुश्किल होता है। कल 20 साल पढ़ाने के बाद ये समझ में आया कि टीचर होने से ज्यादा मुश्किल भी कुछ और होता है, स्टूडेंट होना। गलत सीखने के लिए हर स्टूडेंट के मार्क्स कट जाते हैं, गलत सिखाने के लिए किसी भी टीचर के मार्क्स नहीं कटते हैं। सिखाना आसान होता है, सीखना बहुत मुश्किल। हम सब निकलते हैं दूसरों को सिखाने, मैं भी निकला था 9F को सिखाने कि वो सेंट नॉटकर्स के लायक नहीं है। पता है उनको सिखाना कितना आसान था? इतना आसान कि मैंने श्यामलाल को गलत क्वेश्चन पेपर्स लीक करे ताकि पूरी 9F गलत क्वेश्चंस के आंसर्स रट के आए, ताकि वो फेल हो जाए। नॉट बिकॉज दे वर फेलियर्स बट बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू बी फेलियर्स।